जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मालविका शर्मा। कहाँ से आए आप? लुधियाना पंजाब से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने छोटी ही उम्र में 2004 में ही गुरुजी से नामदान ले लिया था। 2004 में? जी, मैं तब फोर्थ स्टैंडर्ड में थी। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस टाइम? फोर्थ स्टैंडर्ड में मेरी 8 ईयर्स। 8 साल की उम्र में ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली? जी, तभी से नामदान लिया होगा। तब से लेकर अब तक आपका अनुभव क्या रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के, क्योंकि इस दौरान उनके ऊपर काफ़ी आरोप भी लगे हैं और उनकी जो फॉलोअर्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपका जो अनुभव है इस बीच में वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात जो हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताए हैं। जैसे सब लोग बोलते हैं गॉड इज़ वन, और उसके बाद हमें हजारों नाम बता दिए भगवान के, राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, तो ये गॉड इज़ वन का तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ग्रंथों में से दिखा दिया, सारे ग्रंथों की, सारे रिलीजन्स की होली बुक्स उठाई परमात्मा ने, बाइबल उठाई, कुरान उठाई, गीता जी उठाई, सब में उठा के निचोड़ निकाल के दे दिया कि वो भगवान कौन है और उनका नाम क्या है। देखिए, आपने कहा कि आपकी उम्र 8 साल रही होगी जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। उस समय तो आपको ये समझ नहीं आया होगा कि भगवान एक है और दूसरे जो संत है वो अलग अलग बता रहे हैं, तो आप जुड़े कैसे रहे? सर, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि छोटे से ही ना, जब से मुझे बोलना आया होगा तब से मैं अपने पापा से एक क्वेश्चन पूछती थी कि पापा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं और क्यों यहाँ पर डेथ हो जाती है? क्योंकि मैंने, मेरे घर में परमात्मा की दया से कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, बट मैंने डेथ होती देखी दूसरों के घरों में, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बचपन से ही आता था कि पापा प्लीज़ बता दो कि ये मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने आसाराम बापू जी से नामदान लिया हुआ था, तो वो कहते थे कि मुझे तो इस चीज़ का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता। तो जैसे ही गुरुजी का ज्ञान सुना, स्टार्टिंग में ही तो गुरुजी ने क्रिएशन ऑफ नेचर बता दिया, जिसमें गुरुजी ने बताया कि आत्मा आती कहाँ से है और हम मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे और हमारे साथ क्या क्या बीतता है उसके बाद। तो मुझे जब ये क्वेश्चन का आंसर मिला, मुझे तभी पता चल गया था कि यही परमात्मा है और ये भगवान ही आए हुए हैं, ये कोई गुरु नहीं है, ये भगवान आए हुए हैं सीधा। तो अब इतने लाखों की तादाद में एक व्यक्ति कैसे ये निर्णय करेगा कि कौन संत सही है और कौन संत सही नहीं है? देखिए, हर चीज़ का ना जो निचोड़ होता है वो हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलें, तो जैसे अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको फॉलो नहीं करोगे, लॉ को फॉलो नहीं करोगे, जेल में पटक दिया जाएगा आपको। इसी प्रकार से जो हमारी होली बुक्स है वो स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है उसी में है। तो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स में जो लिखा है वो संत हमें फॉलो करेंगे, अगर हम उन संत को, तो ही हम पार हो सकते हैं। और गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी संत वो हैं जो लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी तक भाग सहित बता देंगे, और वो आज तक सिर्फ ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही किया है। देखिए, आप एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं, बाकी और कोई संत नहीं बताते। देखिए, लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे फॉलोअर्स हैं जो किसी अन्य संत से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वेदों के अनुसार साधना नहीं बताई और केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही बताई है? जी बिल्कुल, किसी ने भी वेदों के अनुसार भक्ति नहीं बताई। गुरुजी एक एक लाइन को ना उंगली लगाकर बता रहे हैं कि बच्चों देख लो, ये लिखा हुआ है और हम कर क्या रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? इस बात का निर्णय कैसे हो कि कोई जो दूसरे संत हैं कि वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे, कैसे लोग निर्णय करें? सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि हम किस तरीके से निर्णय करें कि सही संत कौन है और कौन सही भक्ति बता रहा है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बाकी जो गुरु हैं वो सब बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है, बल्कि हमारी होली बुक साफ साफ बोलती हैं कि परमात्मा साकार है। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया। तो ये फैक्ट रीइंस्टेट हो रहा है कि परमात्मा तो साकार ही है। बाइबल में एक और चीज़ लिखी हुई है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। तो शब्द रूप में परमात्मा है और परमात्मा साकार ही है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि गॉड इज इन फॉर्म, गॉड इज नॉट फॉर्मलेस, जो कि बाकी सब संत बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि पाप कर्म कट सकते हैं कि नहीं कट सकते। जितने भी पंडितों के पास, जितने भी गुरुओं के पास आप चले जाओगे, वो पहले तो आपको पाखंडवाद बताएंगे बाकी कि ये कर लो वो कर लो। जब उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, लास्ट में वो बोल देते हैं पाप कर्म तो आपको काटना ही पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो
किसी भी पाप को, किसी भी लेवल का पाप हो, वो काट सकते हैं और आपकी उम्र तक एक्सटेंड हो सकती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि पाप कर्म कट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पाप कर्म दंड कट नहीं सकता। तीसरी चीज़, व्रत करवाते हैं वो लोग बाकी सबसे, तो व्रत करना साफ साफ मना किया हुआ है हमारी होली बुक्स में, क्योंकि अगर व्रत करने से मुक्ति होती तो जब अकाल पड़ता है, किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं होता, तो वो भी तो व्रत ही हुआ, तो तब इतने ज़्यादा लोग क्यों मर जाते हैं। चौथी चीज़ ये कि एक तरफ तो बाकी सब संत बोलते हैं कि गंगा जी में अगर आप डुबकी लगाओगे तो आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि पाप कर्म दंड नष्ट नहीं होते, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो चुकी। और इनका सलूशन सिर्फ ये है कि सही परमात्मा की भक्ति करो, एक वही वे है कि आपको सैल्वेशन अटेन हो जाएगी और इस जन्म मरण के चक्कर से हम बच पाएंगे। देखिए, इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर भी लेते हैं, उसके बाद भी एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ की जरूरत पड़ती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तो मुझे इतने ज़्यादा लाभ मिले हैं कि अगर मैं आपको बताने चलूँ तो मैं कभी एंड कर ही नहीं सकती, क्योंकि पल पल में लाभ होते हैं। तो फर्स्ट लाभ मैं आपको बताऊँगी, सबसे बड़ा तो आध्यात्मिक लाभ भी है कि वो पाथ मिल गया जिसको जिस पे हम चलेंगे तो हमें सैल्वेशन अटेन होगा ही होगा। ये जो जन्म मरण का चक्कर है जिसमें हम युगों युगों से फंसे हुए हैं, इससे हम पार हो जाएंगे। दूसरा लाभ जो मिला वो है, 2012 में मेरा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और मेरा ब्रेन भी बाहर आ गया था और मेरे फेस के 3 पार्ट्स हो चुके थे। अब वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर ये हाथ एक प्रूफ है कि मेरा तो बहुत घटिया एक्सीडेंट हुआ था और मेरा फ्रैक्चर, मेरी पूरी हड्डी टूट चुकी थी हाथ। कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया? DMC हॉस्पिटल में दिखाया था, लुधियाना में, और वहाँ के जो top 3 डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने मुझे ऑपरेट किया था। 8 hours+ मेरी सर्जरी चली थी और 80+ स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। सर, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि 2014 में भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया था और उसमें आपको साफ साफ दिखेगा भी कि मेरा बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर निशान भी तब उसमें क्लियरली दिख रहा है। और क्या लाभ मिले हैं आपको? अगला लाभ ये है कि अभी कुछ महीने पहले ही, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम से पहले, मेरे दांत में विजडम टूथ मेरा आ रहा था और वो पूरा गल चुका था। तो हमने स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके वहाँ सब कुछ गल चुका है, जाड़ जो है वो भी गल गई है और दांत भी गल चुका है, तो ये ऑपरेट ही करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपके बाकी 3 विजडम टूथ भी आएंगे और उन 3 के लिए जगह नहीं है, तो आपको 4 बार ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो आप इसको पोस्टपोन कर दो, एग्ज़ाम्स के बाद ये करवा लेंगे, तब तक आप मेडिसिन दे दो। एग्ज़ाम्स के बाद जब मैं गई तो मेरे सिर पे ऑलरेडी चोट है, तो मुझे डर लग रहा था कि ये लोग खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गुरुजी इतनी दया करना कि आप बस वहाँ पर सामने खड़े हो जाना जब मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा। तो हम डॉक्टर के पास फिर से गए, डॉक्टर ने एक बारी चेक फिर से कर लेते हैं। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपको कौन से डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना है? मैंने कहा आपने ही बोला था। तो तब उनको याद आ गया, तो वो कहते कि आप देख लो ये सब कि आपका पूरा ठीक हो चुका है और आपके 4 विजडम टूथ के लिए जगह बन चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। तो तब हमने उनको गुरुजी का बताया, गुरुजी की बुक भी उनको दी, और तो ये मेरे को अगला लाभ हुआ। उसके बाद जो मुझे लाभ हुआ, मुझे छोटे में बहुत ही तेज़ स्टमक एक होता था, मुझे ये भी नहीं याद कौन सी साइड होता था, पर परमात्मा से नाम लेने के बाद वो दर्द भी हमेशा के लिए चला गया। अगला लाभ संत रामपाल जी की दया से ये हुआ कि मेरे दादाजी को 3 बारी हार्ट अटैक आ चुका है और 3 बारी ही गुरुजी ने बचा लिया। अगला लाभ मैं आपको ये बताऊंगी जो कि सबसे बड़ा लाभ है कि मेरे पे काल का अटैक 5 बारी हो चुका है और 5ों बार नाम लेते ही, जैसे ही गुरुजी ने बताया है कि आपको चाहे प्रथम नाम मिला हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, आप उसका नाम जाप करो और परमात्मा वहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो वैसे ही मुझे 3रा नाम मिला हुआ था, तो मैंने 3रा नाम का जाप किया तो काल एकदम से बिल्कुल घबरा जाता है और जैसे परमात्मा गुरु रामपाल जी महाराज जी ने बोला था कि पंख कटे पक्षी जैसे गिर जाता है वैसे गिरेगा, बिल्कुल वैसे ही वो गिरा, परमात्मा सामने आके खड़े हो गए और परमात्मा ने वहाँ से मुझे 5 बारी बचाया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आपके ऊपर अटैक होता ही क्यों है, क्यों आपका एक्सीडेंट होता है और क्यों इतनी सारी परेशानियाँ आपके सामने आती है? परेशानियाँ हम पर हमारे पिछले कर्मों के कारण आती हैं और इसका सिर्फ तोड़ यही है कि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में चले जाएं, जो कि इस डेट पर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। लेकिन आप तो ऑलरेडी शरण में आ चुके हैं, फिर आपके साथ इतनी सारी समस्या क्यों आ रही है? क्या आप मानते हैं इस बात को लेकर के कि
नाम दीक्षा लेने के बाद भी श्रद्धालु पर समस्याओं का आना क्या कहता है? देखिए, मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे ऊपर ये समस्या आती है, क्योंकि जैसे ये समस्या आती है उससे हमें पता चलता है जो डेथ लोग बाद में एक्सपीरियंस करते हैं और उनके पास कोई तब वो ही नहीं होता वे आउट कि वो क्या करें उसके बाद, वो मेरे पे पहले ही आ चुकी है। और मुझे पता है कि यहाँ का जो सब कुछ है वो नकली है बिल्कुल। असलियत सिर्फ ये है कि हमने एक दिन मरना है, हमें नहीं पता हमने किस दिन मरना है। उसके लिए आप इंश्योरेंस ले लो परमात्मा से, जो कि सिर्फ सद्गुरु रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। और ये पक्का है कि परमात्मा से आप नामदान ले लोगे तो वापस से उस जगह चले जाओगे। देखिए, यहाँ किसी को बूढ़ा होना नहीं पसंद, यहाँ किसी को दुखी होना नहीं पसंद, यहाँ किसी को मरना नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि हम एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ ये सब नहीं था, जो खुशियों का भंडार था, और हम अपनी गलती से यहाँ पर फंस गए हैं। क्रिएशन ऑफ नेचर ज़रूर देखिए, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो बताया है, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे यहाँ आए और कैसे हमें इस जगह से निकलना है। देखिए, आप यूथ हैं और हम मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही इस एज में आकर के अध्यात्म की बातें करते हैं, क्योंकि जिस तरह का आज का जो जमाना है, हम देखते हैं कि इस एज में आज का जो युद्ध है वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। इस तरह के विचार आपके अंदर वो भरे हुए हैं, वो क्या मानते हैं आप? कैसे हैं आपके विचार जो आज आप व्यक्त कर रहे हैं कैमरे के सामने? सबसे पहली बात, हमारे पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारे विचार कैसे होंगे। तो भगवान की इतनी दया थी कि मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत श्रद्धालु रहे हैं और उन्होंने शुरू से ही एथिक्स और प्रिंसिपल्स को सबसे पहले रखा है। तो ये नॉन वेज ड्रिंक, ये सबसे तो हम पहले ही दूर थे। लेकिन कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को ऐसी लाइन देना चाहे कि वो आगे जाकर के उनके भविष्य के लिए खतरनाक हो जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो नशे की लत में पड़ जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में हम बुराई के तौर पर देखते हैं। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को देखते हैं कि चाहे वो बूढ़े हैं चाहे बच्चे हैं, सभी के एक जैसे विचार होते हैं, आध्यात्मिकता में वो बिल्कुल लुप्त होते हैं। ये जो हम बदलाव देखते हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारे स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म संत रामपाल जी महाराज ही लेकर आ रहे हैं। उन्होंने ही वो इनिशिएटिव लिया है जो कि कोई ले नहीं पा रहा था, और किसी में इतनी समर्थता भी नहीं है कि वो ले सके। ये स्वयं परमात्मा आए हैं जो हमें सब कुछ बता रहे हैं कि बच्चों ये सही है ये गलत है। इन्होंने हमें साफ साफ बता दिया कि हमारी बाउंडेशंस क्या है, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें आगे का दिखता है जो कि लोगों को नहीं दिखता। गुरु नानक देव जी बोलते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। ओनली द पावर ऑफ ट्रू वर्ड्स कैन मेक यू ट्रूली हैप्पी एंड सैटिस्फाइड। पर आज की जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन क्या बोलूँ, बड़े भी जो हैं ऐसे नशे में फंसे हुए हैं, वो उसी को सुख मानते हैं। हमें क्वेश्चन किया जाता है कि आप ड्रिंक नहीं करते तो आप सुखी कैसे रहते हो, और असल में वो लोगों के साथ आप एक दो दिन बात कर लीजिए, वो अपना दुख बताने लग जाते हैं, इतने दुखी होते हैं वो लोग। तो वो असल में सुखी तो है ही नहीं, और सुख सिर्फ सिर्फ सही भक्ति से ही मिल सकता है। मालविका जी, क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का इंटरव्यू लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हुई है, उन्होंने नशा करना छोड़ दिया है। आप सीए हैं और शिक्षित भी हैं काफ़ी, तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से, कि मंत्रों के जाप करने से कोई नशा छोड़ सकता है या उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है? क्योंकि आप तो शिक्षित हैं, आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस का ज़माना है, और ये बातें अपने आप में हास्यास्पद नहीं है? सर देखिए, आप सब लोगों के लिए ये हास्यास्पद ज़रूर है क्योंकि आप लोग भक्ति से कोसों दूर है, पर हमें परमात्मा का ज्ञान मिल चुका है और हमें सब पता है आजकल। तो देखिए, साइंस जो है, जहाँ साइंस ख़त्म होती है ना, वहाँ परमात्मा का ज्ञान शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स एक बंदे को डेड बोल रहे हैं, लास्ट स्टेज कैंसर क्योर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? देखिए, मिराकल्स हमें आज तक एक वर्ड लगता था, उस पर रिस्ट्रिक्टेड था कि ये बस एक वर्ड है, ये सिर्फ सुनने को मिलेगा हमें, या ये फेरी टेल वाली मूवीज़ में ही हो सकता है। पर परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ के वो मिरेकल वर्ड को ना प्रूव कर दिया है, और आपके सामने हम इतने प्रूफ्स खड़ा सकते हैं, लाइव प्रूफ जो बता रहे हैं कि हम मरे हुए जिंदा किए हैं। तो साइंस मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है, वो साइंस भी किसकी दी हुई है, वो भगवान की ही दी हुई है। तो साइंस से आगे है स्पिरिचुअलिटी, जो हम सोच भी नहीं सकते, और ये मैनमेड तो कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। जो आजकल बन चुका फ़ोन के थ्रू हम क्या क्या नहीं कर सकते, वो सब परमात्मा की ही देन है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
सबसे पहले मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम छेड़ दी है जो डाउरी ने इतनी लड़कियों को मार के जला दिया है, इतनी लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, वो परमात्मा ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं वो डाउरी फ्री मैरिजेस करते हैं, कोई दहेज का लेना देना नहीं होता, कोई पाखंड नहीं होता, बिना पाखंड के शादियाँ हो रही। इसका सबसे बड़ा लाभ किनको मिला? सर, इसका सबसे बड़ा लाभ लड़कियों के पेरेंट्स और लड़कियों को ही मिला है, क्योंकि लड़कियां गर्भ में भी मार दी जाती थी और बाद में भी जब उनकी शादी होती थी तो उनके साथ इतने ज़्यादा अत्याचार होते थे सिर्फ एक इस डाउरी के कारण, तो परमात्मा ने वो बिल्कुल ही हटा दिया है। आध्यात्मिकता के साथ साथ में जो सामाजिक स्तर पर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम छेड़ दी है, आने वाली पीढ़ियाँ उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगी, क्योंकि ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ही करवा सकते। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहर ना लगता डार, ये एक ही बार हमें ह्यूमन लाइफ मिलती है। ह्यूमन लाइफ आपको मिल भी गई, पता नहीं वो तत्वदर्शी संत आए होंगे कि नहीं आए होंगे। ये गोल्डन एरा है जो एस्ट्रोलॉजर्स ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है, जिसमें लाखों के तौर पर भक्त पार होंगे, तो अपने एक भी सेकंड को ना वेस्ट करते हुए परमात्मा की सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। जी धन्यवाद। सत साहिब सो।